हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन लेकर आया हूं। ये आप देख सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं पेंट किया हुआ है, और इसमें हाइड्रोलिक जक अभी नहीं लगा है। देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन प्रेस मशीन है। ये किसी भी सापट को आराम से निकाल लेता है, और मैं इसे हाइड्रोलिक इसमें कसकर आपको दिखाऊंगा। और ये सीलिंग फैन का आप देख सकते हैं, इसका मैं शाफ्ट भी निकाल कर आपको दिखाऊंगा और लगा कर भी दिखाऊंगा। ये इसका शाफ्ट कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं ये प्रेस मशीन इसमें सेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, कि मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो जा रहा है, क्योंकि मैं कहीं चला गया था बाहर, इसीलिए हम वीडियो बना नहीं सके, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। क्योंकि काम हर आदमी को पड़ जाता है, इसीलिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इससे आप नाराज़ ना हो। तो चलिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ नया प्रेस मशीन फिट कर। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मशीन बनकर रेडी है। ये हाइड्रोलिक मशीन सेट कर दिया हूँ, और ये सेट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फंसता है ऊपर और नीचे दो नट से ये टाइट होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर नीचे खसकाने के लिए है। जितना हमको ज़रूरत है उतना मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो चलिए, अब मैं इसको शाफ्ट को निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि हमारा शाफ्ट निकलता है या नहीं निकलता है। आप वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं शाफ्ट को अब निकालने जा रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं हमारा शाफ्ट बिल्कुल जंग लगा हुआ है, और इसे बहुत ही आसानी से ये निकाल देगा। और ये हमारा पुराना क्वाइल इसमें बंधा हुआ है, और इसमें अगर हथौड़ी से मारते हैं तो ये हमारा पेपर झड़ जाता है, और हमें क्वाइल भी बांधना पड़ता है। इसीलिए ये प्रेस मशीन बहुत ही ज़रूरी है, और मैं अब निकालने जा रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप प्रेस मशीन बना लेते हैं तो शाफ्ट निकालने के पहले यहाँ पर मिट्टी का तेल या थिनर यहाँ पे देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ मिट्टी का तेल देते हैं तो जंग हमारा ढीला हो जाता है और शाफ्ट आसानी से निकल जाता है। इसको निकालने के लिए इसको कसना पड़ता है, एयर बंद करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा शाफ्ट बिल्कुल अच्छी तरह से निकल चुका है।
आप देख सकते हैं और मैं इसमें दूसरे साइज का शाफ्ट लगा कर देखता हूँ कि ये हमारा काम करता है या नहीं करता है। ये हमारा दोस्तों शाफ्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये पतला वाला है। तो दोस्तों आप कभी भी प्रेस मशीन से निकालते हैं तो ये बात पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मिट्टी का तेल देना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा शाफ्ट आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों हमारे पास तो ये शाफ्ट है नहीं, मैं इसमें शाफ्ट लगा दूंगा बाज़ार से लाकर। तो हमारा वीडियो यहीं तक, आपको जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि आप भी प्रेस मशीन बनाकर ये शाफ्ट अपने खुद से बदल सकते हैं, लेथ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन भर का काम 5 मिनट में कर देता है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।